हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। गाइस, आज जा रहे हैं हम गंगा जी नहाने, और गंगा जी नहाने जा रहे हैं मैं, मेरे हस्बैंड प्रांशु, हमारी सासू मम्मी, और जा रही हमारी जेठानी की बेटा की बहू, और एक हमारे चाचा जी लगते हैं वो भी जा रहे हैं। तो हम मतलब 7-8 जने जा रहे हैं गंगा जी नहाने। किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि हमारे जो देवता है ना, मतलब जो थान वगैरह होते हैं, जो घर के जो देवता होते हैं ना, उनका मंदिर बनवाया है। ठीक है, जो पुराना मतलब मंदिर था, और कुछ मूर्ति वगैरह जो भी होता है वहाँ पे, तो उनको लेके जाएंगे, मतलब देवता जो है उनको लेके जाएंगे, उनको गंगा जी नहला के लाएंगे। फिर वहाँ जो थान बनवा रहे हैं, जो उनका जो मंदिर बनवा रहे हैं, उनको वहाँ पर स्थापित कर देंगे। तो इसीलिए हम भी जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आज जा रहे हैं हम गंगा जी नहाने, तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, तो बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। तो गाइस, अभी हम आ गई हैं, अभी मैं जा रही हूँ नीचे वाले घर में, थोड़ी देर में आ जाएगी गाड़ी। और मैंने अभी गाड़ी आ रही है, जल्दी आ जाओ। चलिए बैग ले, चल संभाल के ले चल। तो लाइट बंद कर दो। अब मैंने खाई अभी उल्टी की गोली, तो उसको खा के ना नींद आ रही है बहुत तेज। देखते हैं आज उल्टी होगी कि नहीं हुई। मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ गाड़ी में बैठने से। चलो अम्मा, दूध का ही बुलाई, दूध कौन पीवे हो ना? गरम तो करो वो, लेकिन वो रुकेंगे ना। अब जब गाड़ी आवे तो सीधे चलेंगे, घर ना आएंगे वो। घुंडी पटांग दो, खुला सो कर दो ढक्कन, तो फिर छपली बुली गिर जाएगी वहाँ। अरे मन है करी, मैंने दूध की। चल कोई बात ना, बताओ। अरे बैग लेके चल मेरे बाप। कहाँ है वो? रखो अम्मा के लिए गोली ले रही भाई। मैं गोली, तू चल तो सही नहीं। चल अरे ग्लास भी दे दी अम्मा ने। ले जा ले जा ग्लास, तू चल जल्दी, मैं आ रही हूँ। नींद आ रही है बहुत तेज, दवाई खा के। चाचा मिला कौन है? अच्छा प्रांश का, प्रांश पीछे बैठा हो, वो चार जगह बैठेंगे फिर जमा तो जगह बना। गाड़ी में जगह नहीं है, एड्रेस नहीं हो पा रहे, मतलब कुछ भी समझ। तीन चार पाँच छः तो सात तो हम जाते हैं। आठ ही ना चाची फोन दो ना छता जी ऐसे जाने रूम खराब है हमारा। कौन डाल जाके निकाल के अहमदगढ़ वाला तो भेजा वो दाम को। हां बना तो मैं आदि के हिसाब के लिए चले। आप लोग अपना घर आ गए।
तो गाइस हम आ चुके हैं गंगा जी पे। अभी देखो गंगा जी पे सब जा रहे हैं इनको ले। अम्मा दे दे बैग, तो वो ले लेंगे, वो ले लेंगे। हटियो वो बाबा का थान बने हुए ना, तो वही बाबा ही है ईट के रूप में। राम सिंह नीचे ना रखी, गोद में लेके रखी। आप भी दर्शन कर सकते हो, गला बैठ गया मेरा तो। गाइस घूंघट मारना पड़ रहा है क्योंकि ये ससुर लगते हैं ना, इसीलिए और ज़्यादा बात भी नहीं कर पाऊंगी। और आप बने रहना ब्लॉग में, देखते रहना क्या क्या चल रहा है। हाँ अभी बाप आएंगे, ऐसे ना ऐसे मत बोले मन में अपने पाप, वैसा मत लावे, माफ करो, गिजो करो। मैं ईट लेके जा रहा हूँ, मैंने ये बाबा के रूप में बेटा, ऐसे ना बोलते, देवता है अपनी। लेके जाते हैं सब जाते, लेके जिनके देखते हो तो नहाने लाए। मेरे पास एक तो बैग है, घूमट मार के बिलो बनो। यहाँ पे मिलता है पूजा का सामान, जब नहाने आते हैं गंगा जी तो यहाँ से पूजा का सामान मिलता है, हवन वगैरह। ये मैया फट रही, चल तो गाइस कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो ज्यादा भीड़ भी नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हो जो देवता लेके आए हम, उनको निला रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही देखो कितना अच्छा लग रहा है गंगा जी। जय हो गंगा मैया की, बहुत बढ़िया। हाँ अरे भैया मेरे बेटा करेगा, अरे भैया इनकी
काड़ी अपनी है और की तो ना देख लो और की ना तो गाइस यहाँ पे खरीद रहे हैं वो सामान, मैं दिखा दूँ आपको, बहुत सारी दुकान है हा? ट्रांसफर इधर आया अपने पेट पे लात मत मारे कर हाय गए चले चले चल। तो गाइस यहाँ पे खरीद के लाए जो देवता है उनके लिए वस्त्र लेके आए, मतलब ऐसे नहीं ले आते बगैर वस्त्र के। ईट के नीचे दबा दे चलो। तो गाइस गंगा जी नहा लिए, अभी चल रहे हैं घर। हाँ
गाइस हम आ चुके हैं गंगा जी नहा के, अभी बैठे नीचे घर में। यहाँ पंखा चल रहा है, अम्मा की तबीयत खराब सी हो गई, यहाँ पर उनको हो गई उल्टी, तो आराम कर रही हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाड़ी में बैठे बैठे, काम तो कुछ नहीं किया लेकिन ऐसी थक गई हूँ। तो इस ब्लॉग को हम कर देंगे यहीं पे एंड। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है गाइस। तो देखो एक थोड़ी सी मैं बात बता दे रही हूँ, मैं मतलब गंगा जी जब नहा रही थी उस टाइम मेरा कोई ब्लॉग बनाने वाला नहीं था, और सारे लोग गंगा जी में मतलब नहा रहे थे उस टाइम, और मैं तो ज़्यादा अंदर नहीं गई, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं बाहर से ही नहा ली। मग्गा ले गई थी, एक जो मग नहीं होता है पानी वाला, वो लेके गई थी मैंने, उससे ऐसे डाल डाल के नहा लिया। और फ़ोन रख दिया था उस टाइम मैंने बैग में, अगर मैं लेके जाती पानी वानी में गिर जाता तो फिर इसीलिए नहीं मैं दिख पाई नहाती हुई। लेकिन नहा के आई थी जब मैंने थोड़ा सा अपने आप को ऐसे दिखाया था तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। और ज़्यादा बातें मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि ससुर वगैरह थी इसीलिए, ठीक है गाइस। मिलते फिर कल ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ, जाओ ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं।